जय हिंद वंदे मातरम साथियों, एक बार आज फिर से विजयपथ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 10th हमारी रहेगी, डेली शाम 8 बजे आपको लाइव स्टैटिक जीके और मैथ की प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है विजयपथ एजुकेशन के द्वारा। डाउनलोड कीजिए हमारा विजयपथ ऐप, जिसमें आपको डे टू डे के करंट अफेयर PDF स्टडी मटेरियल, साथ में फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज और साथ में टेस्ट सीरीज आप बाय कर सकते हैं। सो क्लास 10th आज हमारी रहेगी। स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, साथ में जो जीके और मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको भी आज हम डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। सो पहला प्रश्न आपके सामने है, बायलिंगुअल प्रश्न आपके लिए मैं लेके आता हूँ डेली, तो एक बार वीडियो को लाइक आप जरूर कीजिए। Which of the following is the national tree of India? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? आपको बताना है कि भारत का नेशनल ट्री या राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। पीपल का वृक्ष है, नीम का, बरगद का या फिर कदंब का? तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है आज का, ये पहला प्रश्न रहेगा आपके लिए और इजी प्रश्न है, आपको इसका आंसर जो है वो बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? तो बिल्कुल सही ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। बरगद के वृक्ष को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कहा जाता है और इस बरगद के पेड़ को कल्प वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। कल्प वृक्ष के नाम से भी किसे जाना जाता है? बरगद के पेड़ को ही जाना जाता है। इसका मतलब है इच्छा पूरी करने वाला पेड़, और इसका जो साइंटिफिक नेम है फाइकस बेगालेसिस, फाइकस बेगालेसिस जो है वो इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन में बताया गया ए टीचर इज डिस्प्ले डिफरेंट वेजिटेबल विद देयर एडिबल पार्ट फॉर गार्लिक शी डिस्प्ले इट्स। मतलब कि एक कोई टीचर है वो सब्जियों को उनके खाने के योग्य जो उनके भाग हैं उनको जो है वो अध्यापक जो है वो समझा रहे हैं। मतलब कि जैसे सेब है तो सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है वो उसको बता रहे हैं, तो लहसुन के लिए वो क्या दिखाएंगे? लहसुन, अगर आप सभी ने लहसुन को देखा है तो लहसुन का कौन सा भाग है जो खाने योग्य है? मतलब कि टीचर क्या कर रहे हैं, सिर्फ खाने के भागों को बता रहे हैं, तो लहसुन का कौन सा भाग जो वो खाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, बल्ब, जड़, बीज या फिर राइजोसोम? तो क्वेश्चन थोड़ा सा हटके घुमाया गया एक प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा गया कि लहसुन के खाने वाले भाग को क्या कहते हैं, थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में पूछा गया। तो लहसुन का जो भाग खाया जाता है उसको गांठ कहा जाता है या फिर बल्लव के नाम से हम जानते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जैसे गाजर और मूली का जो खाने वाला जड़ है वो क्या, खाने वाली जो हिस्सा है वो क्या होता है, जड़ होता है गाजर और मूली में, वैसे ही लहसुन और प्याज जो है उसका कौन सा हिस्सा खाया जाता है, बल्ब खाया जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपके पिछली कल की क्लास में बताया था और आपको बताया था कि जो नेक्स्ट हमारी 10th क्लास रहेगी उसमें मैं इसको डिस्कस करूंगा, बाबड़ी का अर्थ क्या होता है। तो बाबड़ी जो है वो किस चीज को रेफर करती है, कुएं को, सीढ़ीदार कुएं को, तालाब को या फिर झरने को? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बाबड़ी मुख्य रूप से किसको शो करती है, ये ऑप्शन बी, सीढ़ीदार कुएं को क्या कहा जाता है, बाबड़ी कहा जाता है। देखिए कुआ भी क्या है, बाबड़ी है, लेकिन ऑप्शन दिए गए हैं दो आपके, एक सिंपल कुआं बताया गया है जिसमें कोई सीढ़ियां नहीं होती हैं, डायरेक्ट उसमें से वो पानी की बाल्टी डालते हैं, रस्सी से खींच लेते हैं, एक होता है सीढ़ीदार कुआं। तो इसमें पुराने टाइम में ये होता था जिसमें राजा महाराजा सीढ़ियों से उतरकर अपने खजाने को जो है वो देख सकते थे, तो सीढ़ीदार कुआं जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, बाबड़ी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्कूल में विद्यार्थियों का अध्ययन यानी कि उनकी जो क्लास है वो 10:10 पर सुबह लगाई जाती है और क्लास जो खत्म होती है उनकी मध्यावकाश यानी कि रिसेस जो है वो 12:55 होती है। तो आपको बताना है इसमें कि स्टडी टाइम कितना है उनका, स्टडी टाइम कितना है यानी कि मॉर्निंग से लेके रिसेस तक उनका स्टडी टाइम कितना है, यानी कि 10:10 सुबह के स्टडी क्या है, स्टार्ट हो जाती है
और रिसेस टाइम कितना है, 12:55 पर उनको क्या हो जाती है, रिसेस हो जाती है। तो इसके बीच का जो टाइम है वो आपको बताना है कि बच्चा कितनी देर जो है वो स्टडी करता है। तो वो चीज़ आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो दोनों को आप माइनस कर लीजिए, या फिर सिंपल वे में आप इसको क्या कर सकते हैं, हिंट कर सकते हैं, 10:10 हैं तो 10:10 क्या कीजिए आप, इसको पहले कितना बनाइए, 11 बनाइए, आप कितना मिनट आगे जाएंगे, 50 मिनट आप आगे चले गए, ठीक है जी, 50 मिनट, 11 बज गए, ठीक है। उसके बाद 12 बज गए, यानी कि 1 घंटा हो गया, उसके बाद बारह बज गए, ठीक है जी। उसके बाद कितने मिनट आपने आगे जाना है, 55 मिनट, ठीक है जी, ये आंसर आपके पास बना। अब इसको 50 और 55 को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, ठीक है जी, यहाँ से ये कितना बन गया, या फिर आप इसको इस वे में कर सकते हैं और ज़्यादा इजी, यहाँ से 5 मिनट कम करके इसमें डाल दीजिए तो ये बन जाएगा 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा बन गया, और यहाँ पे कितने रह गए, 45 मिनट रह गए। तो 1 घंटा 1 घंटा कितने, 2 घंटे, और साथ में कितने, 45 मिनट। या तो डायरेक्ट आप माइनस भी कर सकते हैं, तो 2 घंटे 45 मिनट, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीना ने सिर पर लगाने वाला कुल 50 लीटर तेल खरीदा, ठीक है जी, टोटल 50 लीटर तेल खरीदा गया बीना के द्वारा। शी वॉन्ट टू फिल दिस ऑयल इनटू बोटल, अब उसको क्या करना है, 50 लीटर ऑयल को क्या करना है, बोतलों में भरना है, ठीक है जी, बोतलें उसको भरनी है, तो 80 ml की बोतलों में वो भरना चाहती है, तो उसको कितनी बोतलें जो है वो लगेंगी ताकि वो 50 लीटर का तेल जो है वो पूरा का पूरा क्या हो जाए, फिल हो जाए। मैं बेसिक एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ इससे रिलेटेड। मान के चलते हैं कि मेरे पास 10 किलो क्या है, चीनी है, ठीक है जी, 10 किलो क्या है, चीनी है। अब मेरे पास 2-2 किलो के क्या है, लिफाफे हैं, ठीक है, 2-2 किलो के क्या है, लिफाफे हैं, तो कितने लिफाफों में चीनी ये 10 किलो जो है वो भर जाएगी, पहली में 2 किलो आएगा, दूसरे लिफाफे में 2 किलो, तीसरे में 2 किलो, चौथे में 2 किलो, और पांचवें में भी 2 किलो, ठीक है जी, हो गया 10 किलो, कितना हो गया, 10 किलो हो गया। या तो आप 2 को डायरेक्ट क्या कर दीजिए, 5 से गुणा कर दीजिए, तो कितने लिफाफे लगेंगे, 5 लिफाफे लगेंगे। वैसे ही इस क्वेश्चन को आपको करना है, या फिर जो बड़ी वैल्यू है, जो 10 किलो था अमाउंट वो आपने ऊपर रखा और नीचे 2 किलो रखा, तब भी वैल्यू कितनी आएगी, 5 ही आएगी। तो इसी तरीके से आपको करना है, लेकिन यूनिट आपके क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बोतलें क्या हैं, बोतलें हैं मिलीलीटर की, और जो क्वांटिटी स्टार्टिंग में दी गई है वो दी गई है लीटर में, तो पहले आप इस 50 लीटर को चेंज कर लीजिए कि इसमें लीटर में, मिलीलीटर में 1000 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास 50,000 ml। अब 80 ml की बोतलों में भरना है, तो डिवाइड किससे करेंगे, 80 से करेंगे, तो आप इसको जब कटिंग करेंगे तो 625 आपके पास आंसर बनेगा, यानी कि 625 बोतलों में टोटल 50 लीटर तेल जो है वो फिल हो जाएगा, जब एक बोतल की क्वांटिटी कितनी है, 80 ml है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैलेंडर वर्ष में उन महीनों के नाम आपको बताने हैं जिनके दिनों को संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित किया जा सकता है, मतलब कि ऐसे कौन कौन से महीने हैं जो उनके दिन हैं या तो वो 2 से विभाजित हो जाएं और साथ में 5 से भी विभाजित हो जाएं। तो देखिए, अगर महीने की बात करूं तो 28 दिन होते हैं, 29 होते हैं, 30 होते हैं और 31 होते हैं। 28 और 29 किस में होते हैं, फरवरी में, ये जैसे कि अप्रैल में, और ये होते हैं जनवरी में, ठीक है। इनके अलावा भी कुछ ऐसे महीने जिसमें 30 और 31 दिन होते हैं। अब देखिए, 2 से विभाजित होना चाहिए, 2 से सिर्फ 2 ही संख्याएं विभाजित होती हैं, 28 और 30, ठीक है जी, 2 से होगी। उसके बाद बोला 5 से भी होनी चाहिए, तो 5 से कौन होती है, सिर्फ 30 ही होती है। तो ऐसे महीने बताने हैं जिसमें दिन सिर्फ कितने होते हैं, 30 होते हैं, क्योंकि 30 एक ऐसी संख्या जो 2 और 5 दोनों से कट जाती है। तो देखिए, ईजी है, अप्रैल में कितने होते हैं, अप्रैल में होते हैं आपके 30 दिन, ठीक है जी। उसके अगले ऑप्शन को आप देख लीजिए, जैसे कि ये जनवरी वाला ऑप्शन, जनवरी में 31 होते हैं, ये तो आएगा नहीं फिर, ठीक है। मार्च में 31 होते हैं, ये भी नहीं आएगा, ठीक है, कोई और आप ढूंढ लीजिए। अप्रैल तो आपका कॉमन चला, ठीक है जी। उसके बाद अप्रैल के बाद आप
अप्रैल के बाद मई में जो है वो 31 दिन होते हैं, तो ऑप्शन सी भी नहीं आएगा। तो बचा कौन सा फिर? ऑप्शन ए, यानी कि अप्रैल जून सितंबर और नवंबर में कितने दिन? 30 दिन होते हैं। तो ये 4 महीने जो हैं वो 2 और 5 दोनों से क्या होंगे? कट जाएंगे। आई होप आपको ये समझ आया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एक्यूट एंगल आर देयर इन द लेटर ऑफ नेम अमन? ये मतलब कि अमन जो नाम लिखा गया है, इसमें जो अल्फाबेट लिखे गए हैं, इनके अक्षरों में कितने एक्यूट एंगल बनेंगे, यानी कि कितने टोटल न्यून कोण बनेंगे? न्यून कोण वह कोण है जो कि 90 डिग्री से कम होते हैं। देखिए इसके नाम की स्पेलिंग लिखिए, सबसे पहले कैपिटल्स में लिख रहा हूँ, ठीक है जी, समझाने के लिए। ये लिखा मैंने ए, उसके बाद मैंने लिखा ये एम, उसके बाद फिर से क्या ए, और लास्ट में क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा एन। अब इसमें क्या बनाने हैं? एंगल बनाने हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर लेता समझाने के लिए। देखिए पहला एंगल ये बना 1, 2 और 3, ठीक है। अब ये जो एंगल बने ये आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री से कम है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल जो है वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो इसमें तो बन गए 3 एंगल। एक एंगल आपका ये बना, ठीक है, ये भी क्या है आपका 90 डिग्री से क्या है? कम है। एक ये बना, ठीक है, इसमें टोटल 2 एंगल बने। इसमें 1, 2 और 3, तो इसमें 3 एंगल बने। इसमें एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये बनेगा, तो ये भी 90 डिग्री से क्या है? कम है, देखने से पता चल जा रहा है। इसमें 2 एंगल बने, तो टोटल एंगल कितने? 3 और 2 5, 3 8 और 2 10, तो कुल एंगल कितने बने? 10 एंगल बने। ऑप्शन 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 कहाँ पे गलती हुई? कहाँ पे नहीं, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। 10 एंगल नहीं बनेंगे इसमें, इसमें एक एंगल हमारा मिस हो गया। हाँ बिल्कुल, एक एंगल हमारा, देखिए एंगल बनाने के लिए 2 लाइनों का मिलना जरूरी है। जितने हमारे एंड पॉइंट होते हैं जहां पे 2 लाइनें मिल रही हैं, एक एंगल हमारा यहाँ पे रह गया, ये वाला, ठीक है। एक एंगल हमारा ये रह गया, ये जो है वो तीसरा एंगल जो है वो इसका रहेगा। तो 10 + 1 यानी कि 11 जो है वो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आंसर शेयर कीजिए, क्या इसका राइट आंसर रहेगा। 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है? आपको बताना है 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। देखिए सबसे पहले पहले आप 1 से लेके 100 के बारे में आपको पता होना चाहिए, 1, उसके बाद 10 से लेके 100 तक पता है। अब आपको ये पता है 3 अंकों की सबसे जो छोटी संख्या है वो क्या है? वो है आपके पास 100, या फिर मैं इसको थोड़ा इजी और बनाता हूँ, 10 से लेके 99 तक, ठीक है, इजी हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैं 99 से आगे जाऊंगा संख्या आ जाएगी 100, लेकिन संख्याएं कितनी हो जाएंगी इसमें? 3 हो जाएंगी, मैं सिर्फ 2 की ही बात कर रहा हूँ। तो जिसमें नो लगाया जाता है वो सबसे बड़ी संख्या होती है, जिसमें 0 लगाई जाती है वो सबसे छोटी संख्या होती है। तो 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, ठीक है जी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है जी, 1, 2, 3, 4 और 5, इनको क्या करना है? अंतर बताना, आपको माइनस करना है। तो इजी है, क्या आएगा? 9, 9, 9, 9, 8 और 9, ठीक है जी, 9, 8 और लास्ट में 9, 9, 9, 9, 8, ऑप्शन सी क्या है इस क्वेश्चन का? बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे वर्षा को मेजर किया जाता है? हिमाचल में काफी ज्यादा बारिश हो रही है, अगर आपको बारिश को मेजर करना हो कि कितने mm की बारिश हो रही है, ठीक है, तो आपको कौन सा यंत्र यूज करना पड़ेगा? तो देखने से ही पता चल जा रहा है, ऑप्शन से रेन को मेजर करना है तो रेन से ही जुड़ा होगा, यानी कि ऑप्शन सी रेन गेज इज द राइट आंसर। वर्षा को मापने के लिए एक खास प्रकार का एक यंत्र उपयोग में लिया जाता है, जिसका जो है वो रेन गोज के नाम से हम उसको जानते हैं। और इसको यूज कैसे किया जाता है? स्पेशली सबसे पहले एक स्थान जो है वो चुना जाता है, और दूसरी चीज ये रखी जाती है ध्यान में कि उसके आसपास कोई एक बड़ी इमारत या बड़े ऊंचे पेड़ नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे क्या है बारिश का पानी जो है वो टकरा के नहीं आना चाहिए इसी अंतर में,
इसमें वो सीधा आके गिरना चाहिए ताकि हम उसके लेवल को क्या कर सकते हैं, उस रेन गोज से मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल रेनफोर्स आर फाउंड इन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पर पाए जाते हैं, असम, राजस्थान, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश में। बताना है आपको कि उष्ण कटिबंधीय वन जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं। अब उष्ण कटिबंधीय वनों को जो है वो एक प्राकृतिक अजूबा माना जाता है, हमारे नेचर का एक इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं और इनको एक अजूबे के नाम से जो है वो हम जानते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीवित पारिस्थितिक तंत्र जो है वो इन्हीं के द्वारा जो है वो बना है। और मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय वन जो है वो इन चार ऑप्शन में, वो असम में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। असम के साथ साथ जो है वो अन्य कुछ हमारे राज्य हैं जैसे कि पश्चिम बंगाल, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद अंडमान निकोबार, मेघालय, जिसमें जो है वो वर्षा जो है वो काफी ज्यादा होती है, जहां पर ज्यादा बारिश होती है वहां पर उष्ण कटिबंधी वन ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अगर आपने अभी तक विजयपथ ऐप डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको इसमें मिलेगी, साथ में आप प्रैक्टिस मॉक्स लगा सकते हैं। डिफरेंट एग्जाम के जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, हिमाचल के डिफरेंट एग्जाम है या फिर सेंटर के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, या फिर आप अगर आर्मी अग्निवीर की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आप ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। और इसमें डिफरेंट बैचेस हमारे पेड कोर्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 130 एंगल इज, आपको बताना है कि 130 डिग्री के कोण का संपूरक कोण क्या है, 130 डिग्री के कोण का संपूरक कोण क्या है। देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, सप्लीमेंट्री एंगल वह एंगल है जिसको ऐड करके कितना है 180 डिग्री बने। देखिए, आप सभी एंगल के बारे में जानते हैं, सॉरी स्ट्रेट लाइन में बनाता हूं पहले यहां पर। देखिए, मैंने एक स्ट्रेट लाइन यहां से ड्रॉ की, ये एक स्ट्रेट लाइन है, अब इसके बीच का एंगल कितना है, ये 180 डिग्री है, इतना तो आपको क्लियर है। अगर मैं यहां से एक एंगल इस तरीके से खींचूं तो ये हो सकता है 120 डिग्री का हो, इतना तो आपको पता चल गया। अब सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल है जो कितना सम बनाते हैं, 180 डिग्री जो है वो एंगल बनाते हैं। अब 180 डिग्री बनाने के लिए इसको कितना आगे जाना पड़ेगा, 60 आगे जाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास एंगल दिया कितना है, हमारे पास एंगल दिया गया है 130 डिग्री, पहले से एंगल बना है। और सप्लीमेंट्री एंगल अगर उसको काउंट करना है तो कितना, 180 बनाने के लिए उसको कितना आगे जाना पड़ेगा, 50 डिग्री आगे जाना पड़ेगा। सो राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, एक्यूट एंगल जो है उनका कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, और संपूरक में सप्लीमेंट्री के लिए 180 डिग्री का जो है टोटल एंगल वो योगफल में होना चाहिए एडिशन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी के पास एक ही प्रकार के 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, ठीक है जी, कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं। आप सोच रहे होंगे कि शायद ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, नहीं, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है, ये लॉजिक का क्वेश्चन है। तो ये कितने रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का, ठीक है जी। कितने सिक्के हैं टोटल, 10 सिक्के, ठीक है। ये आ गया दूसरा सिक्का, ये तीसरा, ये आ गया चौथा, ये आ गया पांचवा, ठीक है, अभी मैंने 5 ही रखे। बोला गया इन्हें एक के ऊपर एक रखा जाए, यानी कि आपको उनको पुट करना है वन ऑन द अदर, ठीक है, एक के ऊपर एक आपको क्या करना है, पुट करना है। तो ऐसा करने से बोला क्या आकार प्राप्त होता है, क्या वो वृत्त बनता है, घन बनता है, शंकु बनता है, बेलन बनता है, सर्कल, क्यूब, कोन या फिर सिलेंडर, उसकी शेप किस प्रकार से आती। देखिए, मैंने क्या किया, पहले एक 5 रुपए का सिक्का ये रख दिया, ठीक है जी, इसके ऊपर एक और सिक्का रखा, कुछ इस तरीके से रखा जाएगा, दूसरा सिक्का रखा इस तरीके से, ये रखा मैंने तीसरा, ये रखा चौथा, ये रखा पांचवा, इस तरीके से मैंने टोटल 10 सिक्के रख दिए। जब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो सिक्के का ढेर कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर मैं इसको हल्का सा ड्रॉ करूं, शायद आपको इस तरीके से पता चल जाएगा कि ये ढेर जो है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये एक सिक्का है, इसके ऊपर ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है, ये थोड़ा मैंने गैप देके समझाया आपको, तो समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो
जब मैं इन सिक्कों को रखूंगा तो ये शेप कौन सी है, ये बना आपका सिलेंडर, कौन सी चीज बनी, ये बना बेलन्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल जर्नल, मैथ के जर्नल क्वेश्चन है आपके ये, बिल्कुल सिंपल टू सिंपल क्वेश्चन जो है वो मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। अगला प्रश्न है, द डेट ऑन विच बछेंद्री पॉल स्टेप्ड ऑन द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट एंड पिंच द इंडियन नेशनल फ्लैग, या फिर ट्राई कलर, या फिर तिरंगा जिसको हम जानते हैं। किस दिन बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था और भारतीय जो झंडा है, तिरंगा झंडा, उसको जो है वो वहां पर गाड़ा था। आपको बताना है कि बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर कब पहली बार कदम रखा, ठीक है जी, और किस दिन उन्होंने जो है वो तिरंगा वहां पर गाड़ा था। ये आपका जो है वो क्वेश्चन है। उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जो है वो 1984 में अपना पहला जो है वो कदम रखा था, 1984 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। और पहले भारतीय जो है ये रहे जिनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था, और इनको 2019 में भारत के जो तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, पद्म भूषण, ठीक है जी, पद्म भूषण। पहले भारत रत्न आता है, फिर पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है। तो तीसरा सबसे बड़ा जो पुरस्कार है उनसे इनको नवाजा गया। और बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को पहली बार कदम रखा, और उसी दिन इन्होंने अपने भारत का नाम, अपने तिरंगे का नाम जो है वो रोशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन सौराष्ट्र गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा ऐसा डिजाइन है जो गुजरात में रंगोली और गुजरात की जो कढ़ाई फेमस है उसमें उपयोग किया जाता है? चोकपूर्णा, नागगुफन, मंदाना, या फिर आरिपन। तो इस तरीके का थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, और ये आपका जो है वो जेबीटी टैट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2016 का आपका ये क्वेश्चन है। जेबीटी टैट में आपका ये क्वेश्चन था, हिमाचल 2016 का। तो आंसर आप इसका शेयर कीजिए, क्या इसका राइट आंसर है? तो ऑप्शन बी नाग गुफन जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें नाग गुफन का जो है यूज किया जाता है गुजरात में जो रंगोली या कढ़ाई है उसको बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 1000, 1000 के कितने गुणनखंड बनेंगे वो आपको बताने हैं। तो जल्दी से जैसे एलसीएम हम निकालते थे क्लास 10th में, उस तरीके से टेबल बना लेंगे और इसको जो है वो सॉल्व करेंगे इस तरीके से। दो से करेंगे, पहले कितना आएगा 500, फिर दो से किया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 250, ठीक है जी। 250 को दो से किया कितना आ जाएगा 150, फिर दो से किया कितना आ जाएगा 7, नहीं सॉरी, यहाँ पर 150 नहीं आएगा, 125 आएगा। 125 को किससे करेंगे, 5 से करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे, 5 और 5 से करेंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। कितनी बार टूटा, कितने गुणनखंड बने इसके, वो आपको बताने हैं, कितने गुणनखंड इसके बनते हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल कितने में टूटा, ये 6 में टूटा, ठीक है। लेकिन आपको बताना क्या है, थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए आप, 1000 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, टोटल गुणनखंड कितने हुए 6। अब मैंने क्या किया, जल्दबाजी में 6 को टिक कर दिया, बट इट्स नॉट अ राइट आंसर, 6 इज नॉट द राइट आंसर। आपको 1000 के प्राइम फैक्टर बताने हैं। प्राइम फैक्टर कौन से होते हैं वो चीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्राइम फैक्टर। हाँ, प्राइम फैक्टर कौन से हैं, देखिए प्राइम फैक्टर वो होते हैं जो सिर्फ अपने ही पहाड़े से जाते हैं, ठीक है, कितने अपने ही पहाड़े से बताते हैं। तो वो संख्याएं कौन कौन सी, देखिए 1000 सिर्फ किससे कट रहा है, एक तो कट रहा है 2 से और एक कट रहा है 5 से। तो कितनी संख्याएं हैं, कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, एक है 2 और दूसरा है 5, तो संख्याएं कितनी हुई, 2 हुई। ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर फोकस कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बोला क्या गया है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को आगे फंक्शन कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में संख्याएं लिखनी है घटते क्रम में, ठीक है, घटते क्रम में संख्याएं आपको लिखनी है। तो इसका मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी, तो जैसे कि ये 3000 वाली है, तीन से पीछे दो वाली, फिर पांच वाली, ये तो आ नहीं सकती। उसके बाद पांच वाली, फिर तीन, फिर दो, ये 2500 वाली, ये 2200 वाली, ये 1200 वाली, ये लग रहा है कुछ, ठीक है, 1200 2200 ये तो हो नहीं सकते, बढ़ते क्रम में होगी। पहले 5000 वाली, फिर तीन, फिर दो वाली, फिर दो वाली, फिर एक वाली, लेकिन ये 2200 और यहाँ पे 2500, यहाँ पे बढ़ोतरी होगी, इसलिए ऑप्शन बी क्या है हमारा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 32 केलों को समान रूप से 6 बंदरों में बांटा जाता है तो कितने केले जो हैं वो शेष रह जाएंगे। अब टोटल कितने हैं, 32 केले हैं, 6 बंदरों में बांटना है, यानी कि पूरे कितने बंट जाएंगे, 5 केले जो हैं वो तो बंट जाएंगे पूरे, क्योंकि 6 के पहाड़े से पूरा कितनी बार कटा, 5 बार कटा। तो एक अब बंदर कितने हैं, 6, देखिए पहला बंदर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 बंदर आ गए, पहले को 5 दिए, इसको 5, 5, 5 और 5, ठीक है, कितने हो गए, 5, 5, 5, 15 और अगले 15 कितने हो गए, 30। तो यहाँ पर केले जो हैं वो पूरे हो गए। अब बचे कितने हैं, कितने, 32, तो पेंडिंग कितने बचे, शेष कितने बचे, वो बचे आपके पास 2, ठीक है, क्योंकि बोला गया है बराबर या फिर समान रूप से बांटना है, तो सभी को 5-5 मिल गए और बच कितने गए एक्स्ट्रा, वो बच गए 2 केले। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से शहर में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर जो है वो स्थित है। ये आपको बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसमें स्वामीनाथ अक्षरधाम टेम्पल जो है वो लोकेटेड है, मैसूर, मदुरई, बड़ोदरा या फिर नई दिल्ली। आंसर शेयर कीजिए क्या इसका राइट आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये जो है वो 2005 में पहली बार खोला गया था। यहाँ पर भगवान स्वामी नारायण की जो मूर्ति है उसको स्थापित किया गया है, तो ये जो है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। कुछ आप में से जो है वो गए भी होंगे, अक्षरधाम टेम्पल जो है वो कहाँ पर है, ये आपका स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या था, व्हाट इज द ऋग्वेदिक नेम ऑफ द रिवर रावी, आपको बताना है ऋग्वेदिक नाम क्या था रावी नदी का, तो देखने से ही पता चल रहा है, और ये हमारे एचपी जीके का भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ऋग्वेदिक काल में इसको पुरुषणी के नाम से जानते थे, क्योंकि रावी से आप ध्यान रख लीजिए रवि, और रवि जो है वो किसका नाम होता है, रवि होता है एक पुरुष का नाम, तो रवि से आ जाएगा पुरुषणी, ठीक है, पुरुषणी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर किसानों से संबंधित, जिससे जो है वो मिट्टी की खुनाई की जाती थी, हल वगैरह जो है वो वहां पर मिले थे। चार ऑप्शन दिए गए हैं, मोहनजोदड़ो, चुहुंदड़ो, कालीबंगा या फिर हड़प्पा। आपको बताना है कि कहां से जो है वो एविडेंस मिले थे फील्ड से रिलेटेड, किसानों से रिलेटेड, जुताई से रिलेटेड जो है वो ये मिले थे। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी जो है कालीबंगा बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर जो है वो क्या क्या मिला था, यहाँ पर किसानों से जो रिलेटेड चीज़ें थी, हल मिला था यहाँ पर, पहिया जो है वो भी यहाँ पर मिला था, उसके बाद जो सबसे बड़ा नगर मिला था वो कहाँ मिला था, वो मिला था मोहनजोदड़ो में, ठीक है जी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, तक्षशिला वॉज कैपिटल ऑफ विच अमोंग द 16 महाजनपद, 16 महाजनपद हुए थे टोटल, इनमें से किसकी राजधानी जो है वो तक्षशिला थी, टोटल 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी जो थी वो क्या थी, तक्षशिला थी। आपको बताना है कौन सा बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ये जल्दी से शेयर कीजिए आप इसका क्या राइट आंसर रहेगा, कौशल, कुरु, वजिज या फिर गांधार, क्या इसका राइट आंसर रहेगा। जो कौशल है उसकी राजधानी तो अयोध्या थी, कुरु की थी इंद्रप्रस्थ, और बजी की थी शायद मिथिला, एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मिथिला या मिथिल नाम एक जगह है वो बाजी की है जहां तक मेरे को याद है, और गांधार की क्या थी, गांधार की थी तक्षशिला। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो बिल्कुल
इजी क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए। डेली आप हिंदी इंग्लिश में करंट अफेयर और न्यूज़पेपर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आप जुड़कर ले सकते हैं, जिसमें आप हिमाचल के लोकल न्यूज़पेपर अमर उजाला, दिव्य हिमाचल, दैनिक जागरण, इस प्रकार के न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर और इंग्लिश में जो आपके लिए स्पेशल न्यूज़पेपर रहते हैं, आपकी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ट्रिब्यून, हिंदू, इस प्रकार के जो न्यूज़पेपर हैं वो आपको डेली टू डेली मॉर्निंग में आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है विजयपथ ऐप, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। फर्स्ट इंटरफेस आपके सामने दिया गया है, इसमें आपको बेसिक जो हमारे पेड कोर्सेज रहते हैं, फ्री क्लासेज हैं, उसके साथ जो लाइव इवेंट रहते हैं, या अगर आपको कोई बुक परचेज करनी है हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में, वो भी आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी, साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहिए, अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस आप करते रहिए। जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के साथ मैं कल आपसे जुड़ूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।